ये देखने वाले तमाम दोस्तों को गुजरांवाला से बराह रास्त इशफाक नज़ीर, मेरा शौक गुजरांवाला के प्लेटफार्म से शोभा ब्रीडिंग में डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब की जो शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। जैसा कि दोस्तों ने देखा भी है पहले ब्रीडिंग केजेस का हमने शौक करवाया है और मुख्तलिफ ब्रीड्स का तारफ़ भी करवाया है, तो उसी हवाले से हम डॉक्टर साहब की जो इल्मो गयान की बातें हैं आप दोस्तों के सामने करेंगे और इसको इंटरव्यू की शक्ल देंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आप, हाँ जी, क्योंकि बड़े दोस्त आपको पहले सलाम दे रहे थे तो हम आगाज़ में ही हम सारा सब दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी, तो मेरी तरफ से भी जो हाँ देख रहे हैं उनको सलाम पहुँचे। हाँ, क्योंकि दौरान इंटरव्यू हम दोस्तों को ना तो किसी रिप्लाई का जवाब देंगे कमेंट्स का, क्योंकि डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। पहले भी हम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम कह सकते हैं। साथ ही जनाब मौजूद हैं उस्ताद ज़हेब, जानी पहचानी शख्सियत हैं गुजरांवाला में, नौजवान हमारे कामों की छत पे जना, ये राणा जहांगीर साहब के भी उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं उस टाइम पे, तो ये जो है ना अपना उधर हमारे तमाम कबूतरबाजी का जितना भी सेटअप है ना ये उड़ाने का काम करते हैं इस तरह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इधर तशरीफ लाएं थोड़ी देर। हाँ जी, शोभा ब्रीडिंग के हवाले से डॉक्टर साहब, वो पीछे से ना आवाज़ आ रही है तो वो डबलिंग हो रही है इस हवाले से, मैं कह रहा हूँ दोस्त जो देखे हैं पहले जो पिक्चर क्वालिटी कमेंट करके बताएं आवाज़ ठीक आ रही है तो फिर हम आगे आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब ये जो आप जैसा कि जानते हैं कि इंटरव्यू में हर ज़ाहरी बात है कि जो जूनियर्स हैं नए शौकीन हैं वो सीनियर्स को या साथ इकराम को देख के ही फॉलो करते हैं, तो शोभा ब्रीडिंग में आपने अभी हमने देखा भी दोस्तों को भी दिखाया कि मेयारी शौक शोभा ब्रीडिंग में कौन सी ऐसी बात है जिसको देख के दोस्तों को आइडियलिज्म होना चाहिए? एक बात होती है सिलेक्शन, सिलेक्शन परफेक्शन, मैं अपना सवाल करता हूँ फिर आप अपनी राय दीजिएगा। एक डर साहब होता क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी, जैसा कि आपके छत पे आगे देखी है हमें तो वो मयार मिला है इधर, ये कोई खुशामद वाली बात नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी सिलेक्शन और मेयार के हवाले से परफेक्शन है। जैसा कि आप एक ब्रीडर शख्सियत हैं तो दोस्तों को जो अभी हमारी कॉल देख रही हैं मुख्तलिफ समझे कि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में देखी जानी है, तो ब्रीडिंग के लिहाज से आपकी क्या राय है, तो सबसे पहले अच्छे ब्रीडिंग वाले बंदे को क्या चीज़ों को मलखूज खाता रख के करना चाहिए काम? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली तो बात है कि परिंदा अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, दूसरे नंबर पे हम लोग परिंदे तो बड़े बड़े महंगे ख़रीद लेते हैं लेकिन उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं देते, केज अच्छे नहीं बनाते। दूसरी बात यह है कि केज अच्छे बनाने के बाद हम उनको खाने के लिए अच्छा नहीं देते। मेजॉरिटी बड़े लोग अब तो शोबे में आ गए हैं जो कि बड़ा बड़ा अच्छा सेटअप है उनका, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत, लेकिन मैं उन लोगों की बात करूँ जो अभी तक उस उम्र अभी तक नहीं करते हूँ इस मामले में, तो अच्छे कबूतर के लिए अच्छा केज होना, अच्छी खुराक होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है एक बात। दूसरी बात यह है कि अच्छे कबूतर को, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि अच्छे कबूतर को अच्छा रखना और अच्छे कबूतर से आगे अच्छे बनाना ये फनकारी है। अच्छा कबूतर खाली ख़रीद लेना कोई बादरी नहीं है, अगर अच्छे कबूतर को आप मिसयूज़ करेंगे, अच्छी फ़ीमेल नहीं देंगे या अच्छी फ़ीमेल को अच्छा परिंदा नहीं देंगे तो वो 6 महीने साल के बाद वो ब्रीडिंग में जो है ना वो अच्छे परिंदे नहीं निकलेंगे। और दूसरी बात मेरी मुशाहदे में आई है कि हर बुरी चीज़ जो है ना वो मल्टीप्लाई होती है, हर अच्छी चीज़ जो होती है वो प्लस पॉइंट में जाती है। जमा से मेरा मुराद ये है कि अगर अच्छे 6 परिंदे होंगे तो 6 जमा 6 12 हो जाएंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 बनेंगे। हमेशा बुरी चीज़ मल्टीप्लाई होती है और अच्छी चीज़ जमा होती है, तो मैं इसलिए ये समझता हूँ कि आप जब भी अपनी ब्रीडिंग शोबे में जाएं अच्छे से अच्छी सिलेक्शन करके रखें। और दूसरी बात यह है कि जितनी देर तक आप अपने परिंदों में फिल्टराइजेशन का अमल नहीं रखेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब फिल्टराइजेशन का क्या तरीकाकार होना चाहिए? फिल्टराइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि मैं जैसे आप 30 साल से लगा हुआ हूँ कि मैंने एक बड़ा अच्छा परिंदा कोई लिया है या सब कुछ लिया है,
हर जोड़ा जो है ना वो सारे बच्चे इतने अच्छे नहीं निकालता। फ़र्ज करो उसमें से दो ऐसे परिंदे निकले हैं जो दरमियाने हैं या कुछ ऐसे हैं, उन दो परिंदों को अपने केज में आगे ब्रीडिंग में नहीं रखना चाहिए। ठीक, ये मेरे, हाँ जी राणा साहब आ गए हैं, साहब मैं दोस्त हैं, छोटे भाई हैं मेरे। ठीक, तो ये कामों की मैं चाहता है जिधर उस्ताद साहब हमारा, ये असल में हमारा शौक कराने वाले ये बनते हैं। ठीक, इन लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, लेकिन जब आप एक क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे उसके बाद उसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन पहली चीज़ जो है ना वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी में यही होता है कि वो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा बर्ड जो है वो ब्रीडिंग के लिए सूटेबल है, कौन सा बर्ड ब्रीडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि कबूतर जब चलता फिरता होता है तो अपनी सारी चीज़ें बताता है, इंसान को बताता है कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी है। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं कि मैं या आप या कोई और दोस्त कभी किसी छत पे जाते हैं तो वो हम कहते हैं 100 में से हम एक परिंदे की तरफ इशारा करके बताते हैं हमें ये दिखाओ। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि वो परिंदा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी हरकतों सिकनास से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें ये दिखाओ। हर बंदे की अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, तो वो जितना किसी बंदे की हिस स्ट्रांग होगी किसी चीज़ में उतनी ज़्यादा परफेक्शन जो है ना वो होती जाएगी। जितनी आपकी नज़र, मेरी समझ के मुताबिक तो 90% कबूतरबाजी चलते फिरते कबूतर को देखने की है। जितनी परफेक्शन आपकी नज़र में होगी, आपकी नज़र का कनेक्शन आपके दिमाग के साथ भी है, आपके दिल के साथ भी है। वो जब तीनों कम्बिनेशन करेंगे तो वो जब आप उस चीज़ में सिलेक्शन में जितने स्ट्रांग होते जाएंगे उतने अच्छे आप ब्रीडिंग में जाते जाएंगे। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैं ब्रीडिंग की बात करता हूँ, मैं जब भी कबूतर को देखता हूँ ब्रीडिंग की सेंस में देखता हूँ, मैं कभी परिंदे को उड़ने की सेंस में खाली नहीं देखता, मैं उसको ब्रीडिंग की सेंस में सबसे पहले देखता हूँ कि ये परिंदा खूबसूरत भी है या नहीं है, आया ये कबूतर आगे से बच्चे अच्छे निकालेगा कि नहीं निकालेगा। जब किसी चीज़ के बच्चे निकलते हैं तो मैं उसी वक्त फ़ैसला कर लेता हूँ कि मैं उस काम में कामयाब हूँ या कामयाब नहीं हूँ। अगर मैं कामयाब नहीं हूँ तो मैं उसको उधर ही छोड़ दूँगा, उसमें देखने वाली बात होगी कि इसमें फ़ीमेल में फॉल्ट है या इसमें नर में फॉल्ट है कि जो ये बच्चे उस तरह के नहीं निकले जिस तरह के मैं चाह रहा था। डॉक्टर साहब अगर फॉल्ट है कबूतर को ऐसा जोड़ा फॉल्ट में जो बच्चे निकाल रहा है, आप देखते हैं कि नक्सदार कबूतर है वो रखने चाहिए। सॉरी माजरत के साथ, इसमें दो चीज़ें हैं, एक में सिर्फ इतना फॉल्ट इतनी चीज़ आ रही है कि वो हुसन में उतना खूबसूरत नहीं है, बाकी चीज़ें उसकी पूरी हैं। लेकिन चूंकि मैं पहले के आपको बताया कि मैं हुसन परस्त भी हूँ तो मैं उसमें दूसरे फॉल्ट नहीं है कोई भी, उड़ने में वो बड़े अच्छे उड़ रहे हैं, उनके बच्चे बाजियों में उड़ रही हैं, लेकिन कई दफ़ा मैंने वो जोड़ा ही उठवा दिया है लेकिन मुझे उसका कलर उसकी चीज़ें वो अट्रैक्ट नहीं करती कि ये जो मैं ये मैंने गोल्डन करके रखा है, ये मैंने फिरोजपुरी करके रखा है, ये फिरोजपुरी लगता नहीं है, इसमें इसकी आँख में कोई दूसरा क्रॉस नज़र आ रहा है या उसकी रंगत में वो जोशो खरोश नहीं है जो मुझे चाहिए, तो वो कबूतर भी मैं अपने पास जोड़ों में नहीं रखता, वो किसी दोस्त को देता हूँ जिसको उड़ाने का शौक है, वो उड़ाने वाले बच्चे निकाल ले, वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करते जाएंगे। तो जो फॉल्ट की बात जो फॉल्ट की बात आप करते हैं, मैं कोई भी कबूतर किसी में, मैं कहता हूँ कबूतर को नोक से लेके नाखून तक परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें से एक भी किसी कबूतर में फॉल्ट है तो फॉल्ट नहीं निकलते, फॉल्ट बार बार आते जाते हैं। तो कोई भी कबूतर फॉल्ट वाला अपने पास रखने से बेहतर है जो फॉल्ट फ्री चीज़ हो वही रखी जाए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मादा छोटी है इसके साथ बड़ा कबूतर लगा दो, ये छोटा कबूतर है इसके साथ बड़ी मादा लगा दो, ऐसे नहीं होता। कोई भी अगर कोई कमज़ोर बच्चा पला है, वो कमज़ोरी की वजह से छोटा है, तो वो ब्रीडिंग में काम कर सकता है, वो आगे से बच्चे उस तरह के कमज़ोर नहीं। लेकिन ये भी आप उस वक्त करें जब आपके पास एक लिमिटेड चीज़ है, तो आप उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, वो आप कर सकते हैं।
लेकिन जब आपके पास दूसरी ऑप्शन मौजूद हैं तो फिर उस परिंदे को भी रखने का कोई मकसद नहीं है जो कि बिल्कुल ही कमज़ोर पला हुआ है। बिल्कुल, आपके कहने का मकसद है कि जो मेयार में ना वो कमी या कह सकते हैं गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, अगर आप ब्रीडिंग शोबे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो नुक्स निकालते निकालते आपकी उम्र गुजर जाएगी और वो आपको नुक्स फिर आ जाएगा, कभी पोते में आ जाएगा, कभी दोती में आ जाएगा, कभी किसी चीज़ में आ जाएगा, वो नुक्स बार बार आएगा। लिहाजा नुक्सशुदा चीज़ को रखना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, एक हमारा शोबा है, आप देखते हैं कि बड़े आप ही माशाल्लाह वो देखते हैं मीडिया को बड़ी अच्छे तरीके से, बारीकबीनी से ऑब्जर्व करते हैं। इन ब्रीडिंग में जो कबूतर है ना, नक्स या फाल्टेड कबूतर नज़र आते हैं। हाँ जी। कुछ दोस्त सेल परचेज का काम करते हैं जी। आप देख कि जब इन ब्रीड में कबूतर ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, वो दोस्त जैसे आप बता रहे हैं कि मेयार को तरजीह नहीं देते लेकिन क्वालिटी या क्वान्टिटी पर वो अपना फोकस करते हैं ताकि उनको ज़्यादा बिके। मेरी समझ के मुताबिक कबूतर इतनी जल्दी इन ब्रीड नहीं होता। ठीक। इतनी जल्दी इन ब्रीड नहीं होता जैसे समझा जाता है। जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मोतियों वाले कबूतर थे या जितने भी कबूतर मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने एक एक दो दो परिंदों से सारे कबूतर बनाए हैं। हाँ जी। लेकिन इनको आगे पीछे करके तो वक्तन फवक्तन मैं उसी ब्रीड का कोई और बच्चा किसी दोस्त से किसी चीज़ से लेके आता हूँ जो कि उसके पास भी उसकी बैकग्राउंड मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, तो उसको आप आंखें बंद करके अपने परिंदों में डाल लेते हैं। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ये मेरे दोस्त बलाल साहब हैं, इन्होंने किया हुआ है, मुझे इन्होंने 10 साल अपनी किसी चीज़ में ज़ाया किए हैं, मुझे वो 10 साल अपने ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ इस मेरे उस्ताद ने अपना बनाई है, कोई चीज़ ब्रीड बनाई है। हाँ जी। तो मुझे उनसे कोई अच्छा परिंदा बच्चा मिल जाता है तो मैं आंखें बंद करके उनको अपने कबूतरों में डाल सकता हूँ, इसलिए कि वो उनके घर में भी उनकी शक्लें उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो मिलती जुलती हैं। तो टैडियों में मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं कभी दोस्तों से कोई बच्चा ले आता हूँ तो उनको अपने परिंदों में आँखें बंद करके डाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनके भी बाजियों में उड़ते हैं, खूबसूरत भी हैं, सब कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप एक बात करें तो बड़ा जो अहम और फोकस है जो मेरे ख्याल से जब सब्जेक्ट है इन ब्रीड जी जी। आप कह रहे थे कि अभी मेरे ख्याल आपके मुताबिक कि कबूतर इन ब्रीड नहीं होते। नहीं, मैं नहीं ये नहीं कहा कि इन ब्रीड नहीं होते, मैं कहा इतनी जल्दी नहीं होते। इसमें आपकी क्या थोड़ी सी वजाहत करें दोस्तों। इतनी जल्दी से मुराद मेरे कहने का मकसद एक दो झोली जो कहते हैं या ब्रीड में या क्रॉस में किस हद तक आप समझते हैं कि जानवर खराब होना शुरू हो जाते हैं? मैं समझता हूं कि हर ब्रीड को साल डेढ़ साल के बाद कोई नए खून की जरूरत होती है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, कब तक वो बंदा हर नस्ल को कुछ देर के बाद एक नए खून की जरूरत होती है जो आपके पिछले ब्लड को अपडेट कर दे। ठीक। नस्लों की खराबी हम कह सकते हैं कि ये जो नस्ल दर नस्ल कबूतर हम ब्रीड करवाते हैं उनसे या मिलाते जाते हैं वो फिर नक्सदार बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप जितने ज़्यादा क्लोज करते जाएंगे वो ऑब्वियसली वो वीक होते जाएगा, ब्लड वीक होता जाएगा जी। ब्लड वीक होता जाएगा तो ऑब्वियसली वो कमज़ोर बच्चे निकालेंगे, उसमें उनमें उतनी एक्टिवनेस नहीं होगी। लेकिन मेरे मुताबिक अगर कोई फॉल्ट ब्रीडिंग में ठीक हो सकता है तो खाली इन ब्रीडिंग का फॉल्ट है जो ठीक हो सकता है, बाकी और कोई फॉल्ट। किसी कबूतर की दुम चौड़ी है तो आप कहें मैं उसकी दुम सीधी कर लूँगा, वो सारी ज़िंदगी नहीं होगी। ठीक। ये फॉल्ट नहीं, ये इन ब्रीडिंग का फॉल्ट नहीं है। ठीक। दुम को झाड़ू की तरह दुम होना, उस झाड़ू की दुम को सीधा करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप उसी को सीधा करते रहें, उससे बेहतर है कोई सीधी दुम वाला ही परिंदा ले लें। फिर एक और चीज़ होती है कि आप फ़र्ज़ करो किसी आँख में इतनी खूबसूरती नहीं है किसी परिंदे की। हाँ जी। आँख में इतनी खूबसूरती नहीं है लेकिन वो उड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी खूबसूरत आँख नहीं बना सकते आप उसमें से। उसके लिए आपको वो मिक्स आँख से बचना पड़ेगा ब्रीडिंग के शोबे में। सर डॉक्टर साहब, खाने के शोबे में नहीं, ब्रीडिंग के शोबे में। बिल्कुल, यही सवाल आ गया कि आँख का करदार हमारे फने कबूतर पर भी शोभा ब्रीडिंग में। आप किस हद तक समझते हैं कबूतर की आँख? अक्सर दोस्त देखते हैं ना ब्रीडिंग के लिए आंखें और होती हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्रॉस के लिए आंखें और होती हैं जी जी। आपका शोभा जो ब्रीडिंग है तो सवाल भी शोभा ब्रीडिंग के हवाले से होगा कि शोभा ब्रीडिंग में नर और मादा का क्या ऐसे आप समझते हैं कि क्वालिटी या मेयार होना चाहिए जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, खाली आंख का किरदार आप पूछ रहे हैं या किसी और चीज़ का? नहीं, आँख का ही पहला फर्स्ट। हाँ जी, पहली बात यह है कि जैसे
मेरे लिए तमाम दोस्त अहबाब उस्तादा जो हैं वो मेरे लिए मोतबर हैं, लेकिन जो मैंने अपनी 31 साल कबूतरबाजी में इस जोड़ों में सीखा है, कबूतर की आँख का खूबसूरती और नस्ल के पहचान के हवाले से और कोई अमल दखल नहीं है। कोई रिंग कबूतर को समझदार नहीं बनाता, कोई चीज़ कबूतर की आँख से बेवकूफ नज़र नहीं आता। जो मेरी मेरी जो समझ है, अगर उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, अगर आँख के रिंग से ही कोई समझदार होता तो ये मुकोई आँख क्यों आसमान में जाती है, उसमें कौन सा रिंग है, जो जरदखे उड़ते हैं उस उनमें कौन सा रिंग है, इन लोगों ने क्यों पाबंदी लगाई हुई है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको परमिशन मिलनी चाहिए। मैं अपने इधर मुझे भी काली आँख जो मकोई आँख है वो मुझे पसंद नहीं है, कोई बंद आँख कहता है, कोई मकोई कहता है, लेकिन ये लोअर फ्लायर पिजन जितने भी हैं लोअर फ्लायर पिजन उनमें मेजॉरिटी काली आँख के कबूतर होते हैं, उनमें कोई रिंग नहीं है, वो कैसे 18-18 घंटे उड़ते हैं। मैंने यूरोप में बेशुमार जो है ना वो रेसर कबूतर देखे हैं, बेशुमार जो है ना वो देखे हैं, वो जर्द आँख में रेसर कबूतर देखे हैं, उनकी पलकें भी सारी तेतरी की पलकें होती हैं, लेकिन वो अपनी नसलों अगर आँख का किरदार होता, पलक का किरदार खाली उनके उड़ने में होता, ये सिर्फ और सिर्फ हुसन का एक चीज़ है, खूबसूरती की एक चीज़ है। आँख खूबसूरती मुझे जो है ना नैन वो खूबसूरत नज़र आने चाहिए, ये ना तो कबूतर नोक की वजह से उड़ता है, ना कबूतर वो अपनी आँख की वजह से उड़ता है, यानी साहब ये सारी चीज़ें एक खूबसूरती की अलामत में जाती हैं। कबूतर का जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें सारी हैं ना, वो उसको सारे को जो है ना, मैं तो कहता हूँ खून उड़ता है, अच्छा खून उड़ता है। मैंने टूटे हुए परों से कबूतरों को आसमान जाते देखा है, और जो परों के दूसरों की बात करते हैं, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं परों के मुखालफ हूँ, ये मैंने कह रहा हूँ कि टूटे हुए परों से भी अच्छा खून जो है ना आसमान में जा। बिल्कुल, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं ना, होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कि अच्छे ब्रीडर के अज़ाओं की तशरीह, अच्छा ब्रीडर तो वही हो सकता है जिसके मुकम्मल अज़ा हों, नक्शदार तो होते नहीं। जो कबूतर आपको चलता फिरता एक नस्ली ख़ानदानी कबूतर खून के मामले में छाई में सारा अच्छा होगा, उसके पार भी अच्छे होंगे। बाकी परों का आगे अमल दखल जो है वो आपकी फीडिंग से है, आप कबूतर को खिलाते क्या हैं, पिलाते क्या हैं, सारा कुछ। अगर आप कबूतर को अच्छा फीड नहीं करेंगे, टाइम पे फीड नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे, वो अच्छे पार भी कुछ देर के बाद जो है ना वो ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। ठीक, एक बीमारी वाले कबूतर के आप पार देखेंगे तो वो आप कहेंगे कि ये अच्छे कबूतर ही नहीं है, लेकिन आपको उनका पता ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरे कबूतर बीमारी की वजह से ये परों में हारजे में आ गए हैं, आप देखने आओगे ये देखने आएंगे रिजेक्ट करके चले जाओगे, पर ख़राब है इनके, ये क्या करेंगे। लेकिन वो उसकी वजह तो ये थी, लेकिन बेसिकली जो अच्छा खून है, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो अच्छा खून है वो ही काम करेगा, उनके पर भी अच्छे होंगे, उनकी हड्डी भी अच्छी होगी, वो कश्ती हड्डी भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ होगी वो काम नहीं करेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप ब्लड गलफ इस्तेमाल कर रहे हैं खून का, पहले भी हम थोड़े लाइव सेगमेंट में जगह जिक्र किया था कि ब्रीड और ब्लड को दोस्त ना मिला देते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ है ही दोनों अलग, इनका सर से लेकर पाँव तक कुछ जूस नहीं बनता। ब्लड तो होता ना खून, हम दोस्त इस्तेमाल करते हैं कि नस्ल को वाजे करने के लिए। जो ब्रीड है वो तो एक डिफरेंट ब्रीड, हाँ जी ब्रीड एक डिफरेंट लफ्ज़ ये है कि खानदान, डिफरेंट खानदान है उसको हम बिल्कुल कहते हैं। हाँ, ब्लड कह लेते हैं, डिफरेंट खानदान कहते हैं। ब्लड जो है वो तो सारे कबूतरों में जिस खानदान से भी हो, हाँ जी, उसमें अच्छा खून होना जरूरी। बिल्कुल, जैसे आपके मोतियों वाले कबूतर हैं, आपको पता है मेरा ये एक ब्लड ब्रीड है, नस्ल है, ब्रीड है ये। आप गोल्डन से लगा लें या जिससे मर्जी, ब्लड अच्छा है, जैसे मेरे अली वाले हैं, ये बटेरे हैं या लाल मैंने बनाए, इन सब में ब्लड वो अच्छा ब्लड है तो मैं उन्हें रखा हुआ है अपनी। बाकी इनका ब्लड टेस्ट कराना नहीं पड़ता कि इसका ब्लड अच्छा है या नहीं अच्छा। कुछ दोस्त ये प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली आप उनको यूज करते हैं, जैसे मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है, हम इनको बाजियों में भी उड़ाते हैं, छतों पे भी उड़ाते हैं, मैं अपनी छत पे तो उड़ाता हूँ, मैं इन दोस्तों को ही देता हूँ, तो अगर इनके पास अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ये मुझे उसका रिजल्ट देंगे ना। ये डॉक्टर साहब, मसलन कि आप कह रहे हैं कि आपके पास लेबॉरेटरी मौजूद है, आपके दोस्त उस्ताद राणा जहांगीर खान साहब और उस्ताद जोहेब साथ बैठे हैं, क्योंकि ये समझे कि आप
सारे दोस्त जानते हैं, जानी पहचानी शख्सियत है गुजरांवाला, बल्कि पंजाब लेवल पे वो शो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी जो ब्रीड्स उधर टेस्ट होती हैं, अगर कुछ दोस्त राय देते हैं ना कि आप कहाँ पे उड़ाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन मैंने बाजवा साहब के साथ मैंने 25 साल गुजारे हैं। ठीक, बाजवा साहब की खूबी ये थी कि वो हर कबूतर जो थे ना वो अपने शागिर्दों में देते थे। हाँ जी, तो वो शागिर्द उड़ाते थे तो जमील के जानना शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल, समझ आई है। इस चीज़ में जिसका जितना क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। ठीक, अगर मैं किसी को कबूतर नहीं दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। उन्होंने ब्रेवली जो है ना वो बड़े अपने शागिर्दों में कबूतर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में दिए हैं, पाकिस्तान से बाहर दिए हैं। आखिर उन लोगों ने रिजल्ट लिया है तो वो डॉक्टर जमील को जानते हैं। बिल्कुल, कोई बंदा ये साथ वाले घर से भी मैं बच्चे लेने नहीं जाऊंगा, उसका कोई खून अच्छा, उसका कबूतर अच्छे नहीं होंगे। तो अगर अच्छे कबूतर फैसलाबाद में दो बच्चे होंगे, मैं गाड़ी निकाल के वो दो बच्चे लेने उधर से चला जाऊंगा। कहने का मकसद है कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश में इंसान अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर से बेहतर की तलाश में तो जारी रहा, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ जी, जो बंदा कहता है ना कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, उसका जवाल उधर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपको डॉक्टर साहब आज भी मैं सीख रहा हूँ, मैं हर बंदे से सीखता हूँ, ये सारे बंदे मैंने अपने उस्ताद रखे हुए हैं। ठीक, एक मैं हर बंदा जो है ना मेरा उस्ताद ही है, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि 10-15 साल पहले जब मीडिया का दौर था, रसाले में एक सवाल मैं आपसे किया था जी, कि मैं डॉक्टर साहब आपने दूसरे कबूतर क्यों नहीं रखे कसूरी। आपका जवाब था यार मुझे नहीं पसंद, या मेरे तजर्बे में नहीं। अब मैं आगे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अब तो आपने, उस वक्त मैं कह था गोल्डन कबूतर डॉक्टर साहब शामिल करें, ब्रिगेडियर वाले जो आप बनाए, आप कहते शफाक मेरे यार। हाँ, पुरानी बात है, 25 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले जब मैंने बिगनिंग की थी ना तो हमें यही सिखाया गया था कि कसूरी कबूतर पागल होते हैं। ठीक, तो सियालकोटी मैंने बिगनिंग सियालकोटी कबूतर से ही की थी, तो मैंने 10 साल अपने घर में सिर्फ सियालकोटी कबूतर ही रखे हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, कबूतरों ने अपनी परवाज़ें अच्छी से अच्छी दी हैं, सब कुछ किया है, तो मेरा भी रुझान बढ़ा है कि ये मेरे पास होने चाहिए। बाकी कलर वाइज जो कबूतर है ना वो आपका अपना शौक है, आपने मेरे पास कोई भी काला कबूतर नहीं देखा होगा। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं कि काले कबूतर नहीं उड़ते, काले बड़े अच्छे उड़ते हैं सब कुछ, लेकिन मुझे शौक नहीं है काले रंग का, मैंने नहीं रखा। कोई दूसरे कबूतर का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ननकाना साहब वाले लाखे कबूतर हैं, दुनिया के पास बड़ा से बड़ा अच्छा रिजल्ट है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि मुझे शौक नहीं, मैंने आज तक एक भी परिंदा उसका अपने घर में नहीं रखा। ठीक, क्योंकि मुझे शौक नहीं है उसका। नहीं, कह मकसद है कि इंसान जो अच्छा ब्रीडर है, कोई भी शौकीन अच्छा जो अच्छे मियार की तलाश में है, वक्त के साथ उसको अपने अंदर ज़ात में लचक लेके आनी चाहिए। जी, जो बंदा कहता है कि मेरे ही अच्छे हैं, दुनिया के अच्छे हैं नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये कहा ही नहीं कि मेरे ही अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं, जो आप मेरे एक नस्ल के बारे में ये बात करने लगे, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ब्रीडें मेरे पास हैं बहुत कम लोगों के पास उस्तादों के बाद होंगी, मेजॉरिटी लोगों टेडी और गोल्डन से गुजारा। डॉक्टर साहब जरा वो भी बता दें जरा, कितनी आपके पास ब्रीडें हैं अभी हमने दिखाई। मेरे पास देखे ना, एक मोतियों वाले हैं, एक बटेरे हैं, एक वो लाल परी जिनको मैं कहता हूँ, फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब वाले हैं, फिर फिरोजपुरी हैं या बांके हैं, फिर वैशी हैं, तो उसके बाद ये सलारे टेडी हैं या गोल्डन कबूतर हैं, तो 8-10 मोर देन 10-12 नस्ल हैं। ये सारे अलग-अलग खानदान हैं, ये सारे, तो इन सारे ख़ानदानों को रखना, इनको फिर मेंटेन करके रखना, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का खास करम है कि अभी तक तो कामयाब हूँ, कल का पता नहीं। डॉक्टर साहब, जोड़ा लगाने में जैसा कि ब्रीडिंग के शोभा में है, जाहिर बात है मेयार होना चाहिए, नर और मादा में क्या मेयार होना चाहिए जिसको आप समझ के? मेयार तो उन दोनों का अच्छा होना, अच्छे से अच्छा होना। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रीडिंग में डालने के लिए कबूतर ए क्लास नहीं होना चाहिए, ए स्टार होना चाहिए, ए प्लस होना चाहिए। बिल्कुल, जो ब्रीडिंग में डालना है ना वो ए प्लस होना चाहिए। जब मैंने ब्रीडिंग में डालना होता है ना किसी परिंदे को,
उस वक़्त मैं थोड़ा सा जो ना देख के लगाता हूँ कि इसमें से और परिंदा खूबसूरत निकले और अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का निकले, वो चीज़ देखता हूँ। लेकिन उड़ाने में मैं इसकी कोई तमीज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने पास तकरीबन एक क्लास किस्म के परिंदे ज़्यादा चुन के रखे होते हैं, इसलिए मैं उसी तरह की एक क्लास मादा दूसरी ब्रीड की मैं उनमें छोड़ देता हूँ। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में, मैं पहले भी आपको कहा मैं ताबंद का कायल नहीं हूँ, कोई हाँ ताबंद चीज़ नहीं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ये आप बात ठीक कर रहे हैं, थोड़ी इसकी बात पर जोर थोड़ा सा दे, जो हमारी अक्सरियत है ना दोस्तों, मैं बड़े देखे हैं उस्ताद विजिट दौरान पंजाब पाकिस्तान में भी किया है, जिन दोस्तों को मेरे ख्याल से अपने अंदर को खामी या कोताही होती है ना, वो शागिर्दों को या दोस्तों को कह देते कि जरा वो जिरा ताब है ये वही ठीक है जिरा ना बोल। ना ये बिल्कुल गलत है। देखो कई लोग मिसालें देते हैं कि जी कबूतर जो है ना वो खरबूजे की तरह होता है, हाँ जी मीठा निकला है फिका निकला है जी ये खरबूजा है जी, मैं कहता हूँ खरबूजा ही जान लो। लेकिन बाहर सड़क पे दो रेड़ियाँ लगी हुई हैं, एक के पास वो आरफ वाले का खरबूजा है जिसके ऊपर दारियाँ हैं, या आरफ वाले का दूसरा खरबूजा है, वो एक के पास दूसरे पास सादा खरबूजा है, बिल्कुल देसी खरबूजा है, वो 5 रुपए किलो बेच रहा है, वो कहता है जी मीठा निकले फीका निकले आपका है, दूसरा 16 रुपए किलो बेच रहा है, वो कहता है फीका निकलेगा तो 2 दूंगा साथ उसके, क्यों उसको कॉन्फिडेंस है अपने बीज पे, उसको बीज वही है जो उसका खून है, उसको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए वो कह रहा है इसमें फीका नहीं निकल सकता। बात है। तो जो 5 रुपए किलो बेच रहा है उसको कोई पता नहीं इसमें फीका कौन सा है इसमें मीठा कौन सा है, वो भी खरबूजा है वो भी खरबूजा है, एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस क्यों है कि उसको आपने जो बीज बोया था उस पर कॉन्फिडेंस है कि ये मीठा ही निकलेगा फीका नहीं निकल सकता। डॉक्टर साहब इसी हम मिसाल को एग्जांपल को अपने शौक में लेके आते हैं जी जी। एक जो नामवर ब्रीडर बंदा है उसको इतना तो एतमाद होना चाहिए कि यार जो मैं एक चीज़ बना रहा हूँ ये कबूतर मेरे हैं, या जो मैं ब्रीड एक परिंदा किसी को दे रहा हूँ ये 100% चले नहीं 70-80% तो काम करनी चाहिए जी जी। अगर तो कोई बंदा कामयाब है, तो अगर नहीं कामयाब करता फिर तो ये देखें कोई कबूतरों में 100% कोई भी कामयाबी नहीं है, 100% कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप 100 बच्चे मैं फर्ज करो इस छत पे इनकी छोड़ता हूँ, अगर 80 बच्चे उनमें से अच्छा लग जाते हैं काम अच्छा करते हैं तो मैं सक्सेसफुल हूँ, इवन 70 भी अच्छा काम करते हैं 50% ही लगा लें डॉक्टर साहब, 50-60% मैं, लेकिन मेरी तवज्जो अब 50-60% से ज्यादा है। हाँ जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रेशो ज्यादा है। ये 200 देखना आपको अभी नौजवान आप देख रहे हैं कि ये हमारा सोशल मीडिया के कर दौर जा रहा अभी फने कबूतर परवरी के हवाले से, ज़्यादातर दोस्त देखे गुजरांवाला में चंद बंदे आपको या पाकिस्तान लेवल पे जानते होंगे, अभी लाखों की तादाद में दोस्त आपको जो नहीं थे भी जानते, वो आपकी बात पे बड़ा नोटिस करेंगे जो नौजवान है। जाहिर बात है इंसान अपने बड़ों से या सीनियर से या 7 साल से हमारे शौक में सीखने के साथ 3 मरासल हैं, बात को समझ लेना कि फर्ज करें कि हम कहीं से कोई ऐसी एकेडमी नहीं कोई क्लासेस नहीं है जो शौकीन बंदे, इसकी कोई भी किताब नहीं है, इसका हाँ कोई भी मेजरमेंट नहीं है, बिल्कुल इसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं है। कबूतर जो होता है ना वो मीडियम साइज का ही अच्छा होता है। चलो इसी पे बात करते हैं, मतलब ब्रीडर कबूतर, हाँ ब्रीडर कबूतर हो या दूसरा उड़ने वाले भी मेजोरिटी देखे गए हैं तो वो मीडियम साइज में ही देखे गए। ठीक, अगर कोई कबूतर थोड़ा सा बड़े साइज का भी हो वो कोई बुराई नहीं है, चलो वो एक आधा अगर उड़ जाता है, अगर उसको उसके लेवल की चीजें लगी हुई हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक बंदा 6 फुट से ऊंचे कद का है, उसके पाँव का जूता जो है ना वो 9-10 नंबर का 11 नंबर का होगा, बिल्कुल वो 7-8 नंबर का नहीं होगा। हाँ जी, जिसकी उसकी जिस तरह का उसका कद है ना उसकी चीजें भी उसी तरह की उसको साथ लगी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी काम करेगा। लेकिन ये जो होता है ना बैलेंस, इसी चीज़ को कहते हैं कि बैलेंस, उस जो जिस साइज का परिंदा है उसी साइज के मुताबिक उसको चीज़ें लगी होनी चाहिए, तो वही बैलेंस है, इस चीज़ को कहते हैं बैलेंस। तो वो आप अपने कबूतरों में अगर बैलेंस को किसी चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब दो बातें, एक है साइज और एक बैलेंस, ब्रीडर कबूतर में अवलीन तरजीह दो हम कह सकते हैं बैलेंस और जो कबूतर के अज़ा हैं बॉडी स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं बड़े दोस्त बारीक भी न, हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं ना इतना इलम अहल इलम नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी का 30-35 साल आपने ज़ाया किए हुए हैं,
जाया से मुराद के सर्विंग की है शोभा फने कबूतर परवरी में। अभी आप टिप देना चाहते हैं, देखना नौजवान है कम अज कम वो। एक बात मैं आपको इसमें बता दूं, हाँ जी। बात असल में ये है कि मैंने अपने, मुझे 21 साल हो गए हैं इंग्लैंड गए हुए। हाँ जी। कुछ दोस्त समझते हैं कि जी मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, इसको क्या पता आता है महीने के लिए। उनको ये नहीं पता कि मैं दिन को रात को दोपहर को इन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। समझ आई है बात की? रहता मैं उधर हूँ लेकिन मेरी पूरी अट्रैक्शन जो है ना इनकी तरफ होती है। ये शौक अपना इस तरफ मुझे खींचते हैं। अगर मुझे कबूतरों का शौक ना होता तो मेरे दो प्लाजे पाकिस्तान में होने थे, लेकिन मैंने किसी कब्रिस्तान में पड़ा होना था। ये मेरे लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग है जो जिसने मुझे ज़िंदा रखा है। इंसान की जो परेशानियां होती हैं ना, ये शौक उसको डाइवर्ट करता है, इसलिए मैं इस शौक को कहता हूँ ये लाइफ सेविंग ड्रग है। तो ये मुझे प्लाजे तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अल्लाह का करम है। लेकिन ये टेंशन रिलीज जो है ना, ये मुझे इस बात की खुशी है कि कम अज़ कम मैं उस चीज़ से जो है ना टेंशन से बचा हुआ हूँ और मेरे दूसरे काम भी चल रहे हैं। कितनी पैसे तो वो जो इधर ही रह जाने हैं, प्लाजे भी इधर ही रह जाने थे मेरे। कितनी बगावत का सामना आपको करना पड़ा? यूरोप में लोग कहते हो गए यार आप पागल हो, उधर पाकिस्तान जाते हो कबूतरों को, इधर लोग कहते हो गए यार आप तो पागल हो उधर से आते हो। मेरे पूरे खानदान में हाँ जी किसी को कबूतरों का शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरे मतलब मेरा बाप भी, मेरे चचा भी, मेरे मामू भी, मेरे बहन भाई भी सारे जो है ना वो दो डॉक्टर हैं, तो एक CSP ऑफिसर है, सब कुछ है, हर चीज़ है। लेकिन वो शुरू में मुझे तो प्रॉब्लम तो हुई। मैं अभी 4-5 साल पहले वापस आया, मई जून में आया, तो मेरे ख्याल में मैं ऊपर से सिर्फ ट्राउज़र पहना हुआ तो ऊपर से नीचे उतरा तो पसीने से भीगा हुआ था। तो मेरी छोटी सिस्टर जो डॉक्टर है वो मुझे कहने लगी कि जुनून का लफ्ज़ भी आपके लिए छोटा है। सही। लोग इंग्लैंड चले जाते हैं कि मौसम मरी चले जाते हैं, तो आप इंग्लैंड से इधर आ गए हो कबूतरों के लिए। ठीक। नहीं तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि गुस्सा तो चढ़ता होगा, दोस्त कहते हैं कि यार जो दूसरे आपकी फील्ड से रिलेटेड बंदे नहीं है वो कहते होंगे कैसा शौक पाला हुआ है आपने। इस वक्त मेरे जो जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे इस फील्ड से रिलेटेड ही हैं। मैंने पहली सारी जिंदगी, मेरे ख्याल में 20-25 साल मैंने क्रिकेट खेली है। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, गुजरांवाला डिवीजन की मैंने क्रिकेट खेली है। उसके बाद मैं इंग्लैंड में, मेरे वालद साहब रहते थे, मुझे उधर इंग्लिश काउंटी मिलती थी खेलने के लिए क्रिकेट को, लेकिन इस कबूतरों ने मुझे उधर रहने नहीं दिया। सही। मैं क्रिकेट छोड़ दी लेकिन मैंने कबूतरों को नहीं छोड़ा। नहीं, इस शौक का क्या करदार है आपकी जिंदगी में, क्या समय से दो इसको बुरा शौक कहते हैं आपकी क्या राय है? दो जो है ना वो मेरी फैमिली वाले भी इससे समझौता कर गए हुए हैं कि ये ठीक है इसको करने दो, कोई बुरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब ऐसे अच्छे लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग इसमें आते जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एक ब्रिगेडियर साहब दोस्त हैं, एक कर्नल साहब इफ्तिखार साहब भी हैं, मेरा उनसे भी रहता है। अभी कल मेरे एक दोस्त आए हुए थे, कैप्टन उमैर थे, वो नॉर्थ वजीरस्तान से खाली कबूतरों का शौक करने के लिए छुट्टी ले के मुझे मिलने के लिए आए थे। बिल्कुल, ये मेरे लिए आनर की बात है, बल्कि हमारा फ़ख्र है, ये हमारा शौक, ये फ़ख्र है। यानी कि वो चीज़ें जो है ना वो इतनी दूर से छुट्टी ले के बंदा तो मुझे मिलने के लिए और कबूतरों का शौक करने के लिए आया है। कभी डॉक्टर साहब शर्म महसूस नहीं कि एक किसी दोस्त को बता दे कि यार मैं कबूतर परवर हूँ, शौकीन? नहीं, मुझे नहीं होता, मैं शौकीन हूँ, मुझे नहीं होता। मेरे दोस्त कलीग्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो कहते हैं कि यार आप कौन सा काम करते हो शुगर, आपको साथ बंदे हो बच्चों को पढ़ाओ, तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा शौक है। हाँ जी। स्पोर्ट्स है, ये हमारा फ़ख्र है, हमारे लिए तो ये टाइम ही थोड़ा है, दिन रात हम समझे कि इसके लिए काम करते हैं। लेकिन इंसान को शौक की हद तक रखना चाहिए। हाँ, उसको अपनी दूसरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। अगर मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लैंड में जाता हूँ, मैं अगर मजदूरी करता हूँ तो मैं अपने शौक के लिए भी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करता हूँ। मैं अगर खाली इधर कबूतरों के पास बैठ रहा हूँ तो बच्चों को लवारसों हाँ की तरह छोड़ दूँ, वो भी तो कोई तरीक़ेकार नहीं। बिल्कुल। इसलिए मैंने ये जो चीज़ें सेक्रीफाइस, अगर मैं इंग्लैंड जाकर रहता हूँ, मैं बच्चों के लिए जाके इंग्लैंड में रहता हूँ कि वो अच्छी तालीम ले लें, अच्छा फ्यूचर अपना बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे अकाउंटेंट हैं और अच्छा पढ़ गए हैं। जो मैं मकसद दे के गया था तो वो उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो वो मिल गई। मसलन इस शौक ने आपकी ज़िंदगी में खराबी नहीं पैदा की बल्कि आसानी ही पैदा की? ऐसी कोई खराबी, मैं पहले आपको बताया कि ये मेरे लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। मेरे बच्चे तो मुझे कहते हैं कि वो आपकी दूसरी फैमिली है।
डॉक्टर साहब, जो सबसे अहम सवाल है जो आपकी ज़ात के हवाले से है, जुनूनी और शौक का लफ्ज़ इस्तेमाल आपने किया है, मीडिया। जी जी, मेरे ख्याल से अगर 15-20-25 साल, मेरे ख्याल से 20 साल तो मेरे कम अज़ कम कह सकता हूँ कि मैं आपको देखा था। आप बाहर थे ना, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, सारे जो जितने रसाले मुख्तलिफ शहरों से छपते थे वो आप बयक वक्त शुमारा वाइज लेके जाते हैं। नायाब हैदर साहब ने अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्त, जब उन्होंने पहली किताब छपी थी, हाँ जी, रमूज़े कबूतरबाजी, हाँ जी, वो मैं लेके इंग्लैंड गया था, तो मैं उसको पढ़ता रहता था या देखता रहता था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या, वो के उनमें से मेजॉरिटी चीज़ें मुझे इलम थी, लोगों ने खाली स्टोरियाँ सुनी हैं मेजॉरिटी। मैं उन लोगों से मिला हूँ, मास्टर अब्दुल्ला की लोगों ने शक्ल नहीं देखी, उनकी स्टोरियाँ सुनी हैं, मैं उनसे मिला हूँ। नूरदीन बुद्धू की स्टोरियाँ सुनी हैं, या उस्ताद रज़ाक, अल्लाह जन्नत नसीब करे इन सब उस्तादों को, और अजी दीन साहब से भी मिला हूँ, मीर अपना इनसे, उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब से 5-6 दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन इन सब लोगों ने मेरे साथ अच्छा प्यार से ही डील किया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने अच्छे तरीके से सारा, यानी ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं होता कि कोई किसी को कबूतर दे तो फिर ही वो कामयाब होगा। आप मुझे अच्छी चीज़ कोई भी बता दें तो मैं जो है ना वो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, वो कबूतर दे देने के बराबर है। मीडिया का क्या करदार है आपकी ज़ात के, शख्सियत के अंदर? आप देखें, आपके इतना जुनूनी है या शौक, आप कह रहे हैं कि मेरा शौक नहीं है। मीडिया का करदार मेरी शख्सियत में तो कोई नहीं है, मीडिया का नहीं देखना आप, अगर मैं ना मीडिया वाले नहीं, ज्यादा, नहीं, आप भी ज्यादा उसी मेरा सवाल नहीं समझ, दोबारा जरा थोड़ा ना पहिया वापस लेके आए। अगर आप इंग्लैंड में देख के आपको पता चल रहा है कि इधर फलां बंदा फलां को चैलेंज कर रहा है, जी जी जी, जाहिर बात आप तो डिवाइस आ गई, अब तो आप देख सकते हैं। 10-15 साल पहले तो कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं था कि आप कोई बंदा आपको इंग्लैंड में बताने जाए। मीडिया ने बड़ा कुछ इंट्रोड्यूस किया है, बड़ी अवेयरनेस दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया ने उससे ज्यादा नेगेटिव रोल अदा किया है। ठीक, जैसे आप अभी खुद कह रहे हैं कि एक ही बात सुनी दूसरे पर लगा दी। देखो, मेरे पास राणा साहब का, मेरे पास जोहेब का टेलीफोन नंबर है, हाँ जी। मैंने अगर कोई बात कहनी है तो मैं डायरेक्ट इनसे कह सकता हूँ। मैं आपके जरिए क्यों कहूँ कि राणा जहांगीर को ये पोस्टर लगा दो, जोहेब को ये पोस्टर लगा दो, ये फलां को ये चीज़ कह दो, वो बात मैं कुछ करूँगा उन तक कुछ और जाके पहुँचेगी। ये मीडिया का रोल ही है ना कि आगे से किसी तरीके से। दूसरी बात ये है, मैं मीडिया से, मुझे थोड़ा सा, हम शौकीन आदमी बाहर बैठ के हमें अच्छी चीज़ देखने का शौक़ होता है, हम चाहते हैं कि हमें अच्छे परिंदे मिल जाएं, अच्छी गुफ्तगू मिले, अच्छी गुफ्तगू से। अब ज़्यादातर ट्रेंड क्या चल गया है, फलां फलां को शगिर्द कर रहा है, फलां पगड़ी बांध रहा है, मुझे उससे क्या गर्ज है, उसने उसको पगड़ी बांधी या करीब बांधी, उसने 5 लाख का हार डाला है, उसने रोटी 2 लाख की खिला दी, हमें उससे गर्ज नहीं है कोई भी कौन किसको शगिर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसने किसको कितने का हार डाला है। मुझे गरज इससे है कि किसके पास अच्छे परिंदे हैं, किसके पास अच्छा शौक है, किसके पास अच्छी चीज़ है, किसका कौन बंदा किसी को अच्छा नॉलेज शेयर कर रहा है, मेन ये बात है। लेकिन मीडिया भी इस वक्त पूरा बिजनेसमैन है, मीडिया भी उस बंदे के पास मेजॉरिटी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मेजॉरिटी ये अब उसमें उस लाइन एक ऐसी चल पड़ी है जो के होनी नहीं चाहिए इस चीज़ में। शख्सियत प्रस्ती आप कह रहे हैं कि वन मैन शो पैदा, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब देखना, इस वक्त सारे दोस्त हैं मेरे साथ मीडिया मैन, जो जाहिर बात है, क्या आप राय देना चाहेंगे दोस्तों को, ये जो काम कर रहे हैं हम किस? नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपका बिजनेस है, आपको मैं इधर से कोई भी चीज़ निकाल के कहूँगा ना ये कमगर है, तो आप उसकी तारीफें शुरू हो जाएंगे उसी वक्त। देखो जी पारिस के, हाँ 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 जी, इसकी आंख देखो जी, बेशक वो कितनी गंदी आंख क्यों ना हो, लेकिन आपकी उसको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो, आप प्रोफेशन के जरिए इधर आए हैं। लेकिन इन चीज़ों से आप खुदारा लोगों को गुमराह ना करें, जो बंदे नए सिरे से उधर बैठे हुए हैं, जिस चीज़ को आप अच्छाई बयान कर रहे हैं वो अच्छाई नहीं है। किसी बंदे को अगर आप मेरे पास आते हैं, अगर मेरे परिंदों में मेरी किसी चीज़ में कमी है, आपको किसी चीज़ की समझ है, तो आप मुझे गाइड करके जाएं कि आप गलत तरफ चल रहे हैं, आप जो है ना सही रास्ते पे चल नहीं रहे कोई भी। ये इस्लाह मीडिया को करनी चाहिए, जो समझता है ना उसको करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरी नज़दीक आँखों में जो मैं 30-31 साल में देखा हूँ कि कोई भी आँखों का किरदार समझ से या दिमाग, अकल दिमाग में है,
आंखों में नहीं है। ये लोग कहते हैं कि अकल जो है ना इसकी आंख आंख में है। आंख में कौन सी अकल होती है किसी चीज़ की? आंख में कोई अकल नहीं होती। आंख सिर्फ मैं अगर हम देखते हैं, मैं अपनी जाती बात करता हूँ, हम देखते हैं जो प्रोफेशनल हैं तो वो जो है ना हम देखते हैं कि आंख खूबसूरत लगती है, इसकी पलक पतली खूबसूरत है। नोक का क्या किरदार है उड़ने में? नोक भी इसी तरह किरदार करती है कि ये इसकी हम अपने घरों में, चलो खैर मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता। वो चीज़ें जो है ना वो, इसलिए मैं ये कहता हूँ आँख का किरदार खूबसूरती और आँख का किरदार जो है ना वो इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो नस्ल बताती है ये कसूरी ख़ानदान से है, ये मिक्स हो गई है, या सियालकोटी ख़ानदान है, ये फिरोजपुरी आँख का है, ये बांके आँख है, ये इस तरह के कलर के साथ, कलर के साथ कम्बिनेशन उसका होगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप अक्सर देखते होंगे ब्रीडर बंदर हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उसने एक जोड़ा लगाते हैं, आप अच्छे लेवल पे लगाते हैं, सब कुछ अच्छा देखे, पर बॉडी स्ट्रक्चर लिहाज कंप्लीट परफेक्ट जोड़ा लगाते हैं। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे भी हो सकते हैं। चले हाँ जी, बच्चा गिर जाता है या कोई बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, इसमें आपकी क्या राय है कि जोड़े में नक्स होता है या कोई बच्चों को ट्रेनिंग शोबे में? बेसिकली तो जाना हर परिंदे का काम है। ठीक, परिंदे जो जिसने उड़ना है उसने जाना ही जाना है। हाँ जी, लेकिन जहाँ तक जोड़े की बात है, दोनों चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ में तो नुक्स होगा, जिसकी वजह से बच्चा जो ना, सारे बच्चे ज़्यादा ज़ाया होते हैं। हाँ जी, बच्चे तो ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे ज़ाया होना जो है ना वो कबूतरों में नुक्स होने की वजह है। वो फीमेल में, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये फीमेल में नुक्स है या मेल में नुक्स है। मतलब कि अगर बच्चे फर्ज करे कि जोड़ा बच्चे ज़ाया कर रहे हैं, उसकी इतनी मनचाही परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो उनको फारग कर देना चाहिए, उससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। बजाय वही मैं बात कर रहा हूँ कि किसी चीज़ को ठीक करने की बजाय हम उसको फारग करके तो कोई और अच्छी चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए, उस पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बच्चा ख़रीदा 15,000 रुपये का सियालकोट से, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। मैंने बच्चा ख़रीदा, मुझे चाहे ज़रूरत थी कि चलो एक अच्छा ब्लड जो है ना वो मैं अपने कबूतरों में डाल लेता हूँ। ठीक, जब मैंने उस कबूतरों में डाला, वो आगे से बच्चा निकला, उसके मैंने आगे बच्चे निकलो आके छोड़े, तो वो यानी दोनों ही आंखों के सामने यानी के रफू चक्कर हो गए। ठीक, फिर मैंने एक दोस्त मेरे ने वो भी ट्राई की, उसने भी ट्राई की इस मामले में, उसने भी मुझे कहा कि मैंने दो दफ़ा बच्चे उनका वो सेम वही हरकत की है, मैंने उसको ही फारग कर दिया, उसको बच्चों को भी फारग कर दिया। क्या ज़रूरत है उसको इतनी तवज्जो देने की? बाहर उसकी शक्ल नज़र अच्छी आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो खून दौड़ रहा है या कुछ चीज़ दौड़ रहा है, उसका प्रैक्टिकल इसी तरह से होना था। वो अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको निकाल देना ही बेहतर है। एक होता है मफरूज़ा, जी जी, आइडियल ब्रीड के लिए, आइडियल कबूतर के लिए। अच्छा, तो ब्रीडर वही बंदा है ना जो उसके एक माइंड में, जहन के अंदर सांचा होना चाहिए। सर बात पता है क्या है, मोनालिसा की तो सारे बताते हैं मोनालिसा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन असल बात होती है प्रैक्टिकली दिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपके पास आया हूँ तो आप मुझे कहते हो जौनसरा कबूतर दिखा के कहते हो कि ये मोतियों वाला कबूतर है। मैं कहता हूँ इशफाक साहब ये मोतियों वाला नहीं है। आप मुझे कहते हैं मोतियों वाला दिखाओ, मैं कहता हूँ आओ मैं दिखा देता हूँ। असल प्रैक्टिकली चीज़ ये है कि मैं किसी चीज़ में अगर आपकी नुक्स निकाल रहा हूँ, नुक्स से मुराद नस्ल के हवाले से ये एक अलहदा बहस है, ये टैडी है कि नहीं है, ये मोतियों वाला है कि नहीं है, मैं इस मामले में बहस करता हूँ, मैं दूसरे मामले पर किसी पर इम्पोज नहीं करता। मैं किसी को जाके ये नहीं कहता कि आपके कबूतर बुरे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मुझे मेरी ज़ाती राय ले, मुझे उसको सन्सियरली जो मुझे पता है वो बताना पड़ेगा। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो मैं वो मुनाफ़त करूंगा। एक मुझे दोस्त मुझे कहने लगे, सॉरी अजान होने ने दे जी दोस्त, थोड़ी देर तक बाबा जी अजान ब्रेक करते हैं और उसके बाद देर में आप ये दिखा नहीं वो चले पहले हो